हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की। तो आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड इन इंग्लिश, वी कीप देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के जो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, हम उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवा होता है कंजक्शन और आठवा होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, इसे बात करेंगे। सबसे पहले नाउन पर, नाउन क्या होता है? नाउन की डेफिनेशन होती है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पशु या किसी विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नाउन 5 प्रकार की होती है, 5 काउंट्स होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है वो है वी इंडिकेट अ पर्टिकुलर कास्ट ऑफ अ नाउन इन इट। हम किसी भी नाउन की जाति के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन में जैसे पर्सन्स के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कॉमन नाउन में बॉय हो गया, गर्ल हो गई, मैन हो गया, वुमेन हो गई, चाइल्ड हो गया, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, सोर सिंगर हो गया। प्लेस के नाम में आ गए, कॉलोनी आ गई आपकी, विलेज आ गया, टाउन आ गया, सिटी आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गई, स्टेट आ गई, कंट्री आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे वस्तुओं की बात। वस्तुओं में किताबें आ गई आपकी, ट्रेन आ गई, सिप आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, पेन आ गया, टेबल आ गया, फैन आ गया, चेयर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे एनिमल्स में। एनिमल्स काउ, कैट, कैमल, डॉग, एलिफेंट, ऑक्स, बर्ड, पैरट, लॉयन, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें नोट है, एक इंपॉर्टेंट नोट, कॉमन नाउन को सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर होते हैं और हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। और अ कॉमन सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स आर्टिकल बिफोर इट, और हमेशा जो कॉमन सिंगुलर नाउन होता है वो अपने आगे एक आर्टिकल लगाता है, ए या एन में से। ठीक है, यदि हम कॉमन नाउन से पहले टू, थ्री या मैनी या वोथ या ऑल या दीज या दोज या सेवरल या वेरियस आदि वर्ड लगाते हैं तो इनको प्लूरल फॉर्म में लग दिया जाता है। बुक का बुक्स हो जाएगा, थ्री बुक्स, मैनी बुक्स, बोथ बुक्स। ठीक है, इस प्रकार से अगर जो कॉमन नाउन होता है उससे पहले माई आ जाए, अवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, देयर आ जाए, दिस आ जाए और दैट आ जाए, तो हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, ये आपका आज कॉमन नाउन कंप्लीट हो चुका है। कल हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। ठीक है, धन्यवाद।